गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है day 4 7 days व्लॉग चैलेंज का और आज मैं बहुत सुबह ही उठ गई हूँ, मतलब अराउंड हो गया है 6 o'clock, बट बहुत ज़्यादा धूप आ गई है। देखिए ये रहा सूरज, किधर से आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे है ना। सो, अब सुबह इसलिए जल्दी उठ गई क्योंकि पता नहीं क्यों है ना। तो सुबह का मौसम बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है यहाँ पे, मतलब धूप है लेकिन गर्मी नहीं है अभी, है ना, क्योंकि अभी अभी सूरज आया है। सो ये देखिए, तो ये है हमारा किचन गार्डन, जो कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि ये एक हमारा साइड में प्लॉट किसी और का प्लॉट खाली पड़ा हुआ था, तो हम यहाँ पे गार्डनिंग क्या, किचन की कुछ चीज़ें सब्जियाँ उगाते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे पापा ने मक्की भी उगाई हुई है और यहाँ पे भिंडी के पेड़ हैं, कद्दू के पेड़ हैं, लौकी भी है, खीरे भी हैं, मतलब बहुत सारी काफ़ी सारी सब्जियाँ हैं जो कि हम यहाँ से कभी कभी तोड़ते हैं, मतलब जब होती हैं। तो मुझे पता चला, पापा ने बताया कि बहुत सारी भिंडी लगी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भिंडी तोड़ूं, और वैसे मुझे भिंडी पसंद थी बट ऑलरेडी इतना ज़्यादा खा चुकी हूँ मैं भिंडी कि मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुकी हूँ। तो अभी यहाँ पे पापा मुझे कुछ दिखा रहे थे, तो यहाँ पे एक तो अब ये क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, ये कद्दू या फिर ऐसे ककड़ी था, कुछ तो था। तो फिर यहाँ पे फिर हम भिंडी तोड़ने लगे क्योंकि मुझे ना बेसिकली यहाँ पे बहुत डर लग रहा था क्योंकि इतने सारे पेड़ पत्ते थे और मतलब झाड़ी टाइप का था, तो इसलिए मुझे ना थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था इस यहाँ पे चलने पे। तो मैंने सोचा कि फटाफट भिंडी तोड़ती हूँ जितनी भी मुझे दिख रही थी, तो मैंने फटाफट पिक की। और वैसे मैं पहली बार यहाँ पे, मतलब ये जो किचन गार्डन है ये ऑलमोस्ट अ ईयर पहले से पापा ने बनाया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हुई हूँ। मैं सिर्फ इसे ऊपर से ही देखती थी, छत से, और मैं कभी भी यहाँ पे आई नहीं। तो ये रही हमारी ताज़ी ताज़ी भिंडी। तो जिस जिसको भिंडी खाना पसंद है वो कमेंट में ज़रूर बताए, और मुझे तो वैसे भिंडी की सब्ज़ी पसंद थी बट अब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये रही काफ़ी सारी भिंडी। और अब यहाँ पे मेरे पैर बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे क्योंकि बारिश हुई थी और फिर वहाँ पे बहुत कीचड़ कीचड़ सा था, तो यहाँ पे पापा वॉश कर रहे थे मेरे पैर। फिर उसके बाद मैंने कुछ खाना खाया, राइस एंड ये है आलू की सब्जी। सो अब ये हो गए हैं 2:00 PM और मैं दोबारा सो गई थी क्योंकि इतनी सुबह उठने की मुझे आदत नहीं है और मुझे दोबारा नींद आ गई थी, लेकिन अभी मौसम बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है, जैसे कि देख सकते हैं आप सभी, बारिश होने वाली है मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी बारिश होने वाली है तो प्रिपरेशन हम पहले से ही कर लेते हैं, और प्रिपरेशन में मैं सोचूँ कुछ अच्छा सा कुक करती हूँ, और अभी नीचे जाऊँगी और फिर देखूँगी कि क्या बनाना है, फिर देखते हैं। तो कुछ अच्छा और टेस्टी बनाने से पहले मैं अपने कल के रिव्यूज़ देना चाहती हूँ, मतलब जो कल मैंने मेहंदी लगाई थी और मैंने बोला था कि मैं कल रिव्यू दूँगी और मैंने अभी तक वो रिव्यू दिया नहीं है, तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले बाल नो डाउट बहुत सिल्की और स्मूथ हो गए हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल उलझे भी नहीं हैं वैसे आज। और हाँ, एक बात है कि जब आप ये मेहंदी लगाते हो तो फिर ना काफ़ी बाउंसी बाल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बाउंसी हो जाते हैं और थोड़े से फ्रीजी से भी हो जाते हैं, लेकिन आप अगर उसके बाद कंडीशनर यूज़ कर लो तो ऐसे बाल सॉफ्ट से हो जाते हैं। और अभी तो मैं बहुत अच्छा ही रिव्यू दूँगी इसका क्योंकि बहुत ही अच्छे फील हो रहे हैं बाल, वैसे जैसे वॉश के बाद होते हैं, लेकिन ये हेयर फॉल में मुझे लगता नहीं कि ये काम करेगा कि इसे हेयर फॉल होना बंद होगा। तो मैं अपना जो भी होम रेमेडी और वो जो अनियन वाला मैंने बताया था वो भी मैं ट्राई करूँगी और वो मैं रेगुलर लगाऊँगी, और फिर देखते हैं। और अब हम कुछ टेस्टी सा बनाने जाते हैं इससे पहले कि बारिश स्टार्ट होती है। सो यहाँ पे हमारी
स्नैक्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट थी और मम्मी भी हेल्प कर रही थी मेरी। और फिर उसके बाद हमने आलू की टिक्कियाँ बनाई, जो कि पता नहीं मैंने उसकी क्लिप ली ही नहीं शायद, इसलिए मैं हंस रही थी क्योंकि हमारी टिक्कियाँ रेडी हो गई थी और हमने कैमरा ऑन ही नहीं किया। सो हम सभी हंस रहे थे। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ये टिक्की उठाई और इसे मैंने एक घोल टाइप का बनाया हुआ था उस पर मैंने इसे डिप किया और इस पर कॉर्नफ्लेक्स की कोटिंग की और अब मैं इसे डीप फ्राई करूँगी। सो आलू की जो भी बैटर था वो मम्मी ने बनाया था, बहुत टेस्टी सा। सो अभी उसकी रेसिपी तो मैं नहीं बता सकती, बट फिर मैंने ये जो लिक्विड बनाया था वो मैंने मैदा डाला था, उसमें नमक डाला था और थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी। तो इस तरीके से मैं पहले उस लिक्विड पे ऐसे डिप कर रही थी और फिर ये कॉर्नफ्लेक्स पे डिप कर रही थी और फिर उसके बाद मैंने सारी टिक्कियाँ फ्राई करी एक वन बाई वन। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा क्रिस्पी हो गई थी वो, और आप भी ऐसे ट्राई करना क्योंकि ये सच में बहुत अच्छा वाला टिक्की बनी थी इससे। सो अब मैं कैमरा रोटेट करती हूँ और ये देखिए कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी टिक्की बन रही थी और ये डीप फ्राई बिल्कुल अच्छा सा कलर आने तक मैंने इसे अच्छे से फ्राई किया। और फिर मैंने एक तवा लिया और तवे पे मैंने ऐसे बन को ऐसे थोड़ा सा गरम किया और इस पर मैंने घी भी लगा दिया था थोड़ा सा टेस्ट के लिए। और ये मैंने बनाई थी चटनी नहीं बट ये सब सारे जो सॉसेस होते हैं उनको मिक्स करके बनाई थी। और ये मैं इतना कम इसलिए लगा रही थी क्योंकि जो शेज़वान चटनी थी वो ख़त्म हो गई थी, तो उसकी जगह मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाला था और पिज़्ज़ा सॉस हमारे घर में ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं है, सो इसलिए मैंने ऐसे कम सी चटनी लगाई थी ताकि किसी को पता ना चले कुछ भी। और फिर बस मैंने ये टिक्की रखी और ये प्याज रख दिया, टमाटर किसी को पसंद नहीं है तो मैंने बस प्याज रखा। और ये बर्गर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा जल गया है बट ये जला नहीं था, वो क्रिस्पी था। सो सभी ने बर्गर खा लिया था, मम्मी ने भी पापा ने भी, और सबके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे सच में। मैंने किसी की मतलब वीडियो कैप्चर नहीं करी बट ट्रस्ट मी सबको बहुत अच्छा लगा था और टेस्ट सच में बहुत अच्छा था। फिर मैंने छत पे बैठ के मैंने सोचा कि अब मैं भी खा लेती हूँ क्योंकि मैंने पहले इसलिए नहीं खाया था क्योंकि मैं बारिश का वेट कर रही थी। मैंने सोचा बारिश होगी तब ज़्यादा मज़ा आता है, इसे चाय वाय के साथ खाएंगे तो मज़ा आएगा, तो लेकिन फिर बारिश हुई नहीं तो फिर मैंने छत पे ऐसे बैठ के मैंने उसे खा लिया और साथ में पानी पी लिया। फाइनली फिर मैंने अपनी पूरी मेहनत से इसको फिनिश किया और मेरी शक्ल देख के ऐसा लग रहा होगा कि बस फटने ही वाली हूँ मैं। तो खाने के बाद मैंने ये फॉइल फेंका और फिर मैंने सारा का सारा पानी पिया। और इस बॉटल को मैं ऐसे इसलिए देख रही थी क्योंकि इस बॉटल में से ऐसे छन छन की आवाज़ आ रही थी, तो मैं देख रही थी कि कल मैंने कहीं वॉश किया है तो इसमें कुछ रह तो नहीं गया, कुछ है तो नहीं। सो कुछ था नहीं वैसे। सो बारिश का वेट करते करते हमने बर्गर बना के खा भी लिया और अभी तक बारिश नहीं हुई और अब लगता भी नहीं कि बारिश होगी। और मौसम तो वैसे अच्छा है, हवा भी चल रही है, तो इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।